वेलकम अगेन स्टूडेंट्स टू योर चैनल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। और जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो 2020 में 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपका पेपर जो पैटर्न पहले था वो अब नहीं होगा। पहले आपके जो 6 क्वेश्चन 12 मार्क्स के प्रैक्टिकल से होते थे वो आपकी बार से नहीं होंगे। उसकी जगह पर आपके जो है 20 क्वेश्चंस वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं, जिसमें 10 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू होंगे, बाकी आपके एसर्शन रीजनिंग हो सकता है, ट्रू फॉल्स है, या आपके मैच हैं, या वेरी शॉर्ट आंसर हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हम आपको आज दिखा रहे हैं कि आपका किस तरह से पेपर आएगा। सो ये एक प्रैक्टिस पेपर है जिसमें आप देख सकते हो कि पेपर का पैटर्न कैसे रहेगा, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। और हम यहाँ पर साइंस का प्रैक्टिस पेपर देखेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इसमें आप देख सकते हो ये प्रैक्टिस पेपर है जो 3 आवर्स का आपका पेपर होगा और मैक्सिमम मार्क्स के कितने हो रहेंगे, 80 मार्क्स का ये होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो, क्वेश्चन 1 से 20 जो है वो आपका 1 मार्क का होगा, क्वेश्चन 21 से 30 आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे और 31 से 36 आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, ओके। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन से लेकर आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 भी आपका MCQ, 5 MCQ, 6 भी MCQ रहेगा, 7 यानी 8, 9, 10 तक जो है आपके क्या हैं, MCQs हैं। टोटल 10 क्वेश्चन आपके MCQ होंगे। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर से भी हो सकते हैं, कहीं से भी ये क्वेश्चन आपके जो है प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो यानी इसके लिए कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, प्रैक्टिकल से होगा या आपका चैप्टर से होगा, कहीं से भी आपसे MCQ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेकेंड, अगर आप देखो अब फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 आपका जो है फिलअप है, 12 और इसी तरह 13, 14 आपके ट्रू फॉल्स हो गए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 और 16 ये आपके असेशन और रीजन के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं असेशन और रीजन का क्या मतलब है। तो आप इसको देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द असेशन एंड रीजन हैव बीन पुट फॉरवर्ड, रीड द स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ये 4 पॉइंट्स गिवन है। देखिए फर्स्ट में क्या गिवन है आपको, बोथ द असर्शन एंड द रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। सेकेंड इज असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, यानी असर्शन और रीजन जो गिवन होंगे वो आपको दोनों ठीक हैं, बट द रीजन इज, जो रीजन दिया गया है दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट इज असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। डी स्टेटमेंट क्या है आपकी, द स्टेटमेंट ऑफ द असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। तो इन चारों में से आपको एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो आइए एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। असर्शन इज गिवन, आयरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज, यानी जो आईज में हमारी एंट्री करती है लाइट वो कौन कंट्रोल करता है, आयरिस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि असर्शन यहाँ पर करेक्ट है या नहीं है। आयरिस हमारी क्या करती है, लाइट को कंट्रोल करती है। फिर अब इसका रीजन देखिए, आयरिस ऑटोमेटिकली एडजस्ट द साइज ऑफ द प्यूपिल अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई। तो जो असर्शन यहाँ स्टेटमेंट, असर्शन क्या है यहाँ पे, जो स्टेटमेंट गिवन है उसकी जो एक्सप्लेनेशन है यानी उसका रीजन है वो असर्शन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, या ट्रू है इसके अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग फॉल्स है। तो वो हमने जो भी पहले 4 पॉइंट थे उनके अकॉर्डिंग इसका आंसर हमें देना है। तो इसमें क्या है, असर्शन हमारा राइट है और उसका जो रीज़न दिया गया है कि आयरिस जो लाइट है उसको कंट्रोल कैसे करती है, वो क्या है कि वो पिपिल के जो साइज़ है उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है, जिसके कारण जो भी लाइट हमारी आँखों में एंट्री करती है उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो असर्शन भी स्टेटमेंट, जो असर्शन की स्टेटमेंट है वो भी राइट है और इसका रीजन भी राइट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। हम यहाँ पे पेपर को डिस्कस नहीं करेंगे, केवल हम पैटर्न देख रहे हैं, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, नेम, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आपके दे दिए गए हैं, 1 वर्ड क्वेश्चन। नेम 1 लस्ट्रस मेटल है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंट एसिड, व्हाट नेम इज गिवन टू द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट न्यूरॉन्स, 20 इज ऑल्सो 1 वर्ड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द कलर ऑफ इंसुलेशन लाइव वायर एंड अर्थ वायर। सो ये आपके 20 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, जिसमें 10 MCQ हैं और 10 आपके वेरी शॉर्ट आंसर, उसमें ट्रू फॉल्स असर्शन रीजनिंग या आपका मैच भी हो सकता है यहाँ पर। तो वो किसी भी तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर, देखिए 21 जो है आपका यहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, यानी जो पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे वो अब आपके नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 आप देख सकते हो, 22, 23, 24 यानी अप टू 30, 21 से लेकर अप टू 30 जो है आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 25, 26,
एंड आफ्टर 27, 28, 29 एंड 30, ये जो है आपका रहेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन। आप 31 से लेकर 36 टोटल क्वेश्चन आपके जो होंगे वो होंगे 36 क्वेश्चन। तो 31 से लेकर आपके, उसके बाद देखिए 32, ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 33, 34, हाँ इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी यहाँ पर क्वेश्चंस में, 34, आफ्टर दैट 35 क्वेश्चन, 35 में भी आपको चॉइस दी गई है एंड 36 क्वेश्चन। तो टोटल हो गए आपके 36 क्वेश्चन। इंटरनल चॉइस जो है वो अराउंड आपको, जो हमने पहले सिलेबस डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग अराउंड 33% जो है आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। सो टोटल हो गए आपके 36 क्वेश्चन। तो अब आपको इसी पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखनी है, यानी आपको अब पेपर जो है पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको हर चैप्टर से एमसीक्यू करने होंगे, हर चैप्टर से आपको असेशन और रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी होगी कि किस तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है। क्योंकि आपके लिए यहाँ पर यही चीज़ नहीं है, बाकी ट्रू फॉल्स हैं, वन वर्ड आंसर हैं, वो आप इजीली फिर भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा आपको रीजनिंग वगैरह की प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए टाइम ज़्यादा ना लगे और आप जल्दी जल्दी जो है पेपर को सॉल्व कर सको। क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी हैं और 10 क्वेश्चन जो है वो आपके 3 मार्क्स के हैं जिसमें आपको टाइम लगने वाला है। साथ में 5 मार्क्स क्वेश्चन भी आपके 6 हैं और आपको कोशिश करनी है कि जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है, 1 वर्ड आंसर हैं या आपके एमसीक्यू हैं, उनको आपको थोड़ा फास्ट जो है करने की कोशिश करनी होगी ताकि आप 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन वो अच्छे से अटेम्प्ट कर सको, उनके लिए आप टाइम अच्छे से लगा सको। इसलिए आपको एमसीक्यू और इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि जितना ज़्यादा एमसीक्यू आप करोगे, एमसीक्यू का क्या होता है कि एक बार देखते ही आपको जो आंसर है वो एमसीक्यू में स्ट्राइक कर जाता है, या 1 वर्ड है वो भी ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आता है तो ठीक है, उसके लिए हम टाइम कंज्यूम नहीं कर सकते। सो आपको यहाँ से एमसीक्यू, 1 वर्ड क्वेश्चन और इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप अच्छे से पेपर कर सकें। सो आई थिंक आपको यहाँ पे पेपर क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको जो है तैयारी रखनी है। सो अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए और हम भी चैनल पे जो है इस तरह के क्वेश्चंस आंसर और असेशन रीजन और इस तरह का पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही जो है मटेरियल आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते रहेंगे। सो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको शेयर करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पेपर पैटर्न के बारे में पता लग सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।